नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर हंटर। करते हैं शुरुआत आज की एक बड़ी खबर से। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में विवाहित महिला ने अपने ससुर पर लगाया रेप करने की कोशिश का आरोप, पति पर भी गंभीर आरोप लगाए। मध्य प्रदेश और द्वारिकापुरी थाना क्षेत्र के हवा बंगला में स्थित मंदिर को चोरों ने बनाया निशाना। मध्य प्रदेश जबलपुर में एक्स दिव्यांग व्यक्ति की लाश मिलने से सनसनी। अब खबरें विस्तार से। खबर उत्तर प्रदेश के सीतापुर से। विवाहित महिला ने अपने ससुर पर लगाया रेप करने की कोशिश का आरोप, पति पर भी गंभीर आरोप लगाए। घर में अकेली पाकर महिला के साथ ससुर ने की निंदनीय घटना। कहीं बताने पर ससुर ने दी जान से मारने की धमकी। महिला का पति महिला से वेश्यावृत्ति धंधा कराने का बना रहा था दबाव, जिससे आहत महिला अपने माँ बाप के घर रहने को हुई मजबूर। कई बार पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाने के बाद भी नहीं हुई कोई सुनवाई। पीड़ित महिला दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर। जानकारी के अनुसार ताजा मामला यूपी के सीतापुर शहर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर महिला ने अपने ही ससुर पर जबरन रेप करने की कोशिश का आरोप लगाया है। महिला के घर वाले सास पति व देवर मेला देखने महाराष्ट्र गए हुए थे। महिला घर में अकेली थी। महिला को अकेली घर में देख रात्रि करीब 10 बजे महिला का ससुर घर में घुस आया व जबरन रेप करने की कोशिश करने लगा। ससुर ने महिला के सारे कपड़े फाड़ डाले व रेप करने का प्रयास करता रहा। महिला के मना करने पर बहुत मारा पीटा व जान से मारने की धमकी भी दी। महिला द्वारा पति से शिकायत करने पर पति भी बोल रहा, चाहे मेरे पास लेटो या मेरे पिता के पास, बात एक ही है। महिला को वेश्यावृत्ति धंधा कराने को मजबूर कर रहा, जिससे आहत महिला अपनी नन्ही सी बच्ची को लेकर अपने माँ बाप के घर रहने को मजबूर हुई। थाना कोतवाली सहित पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाने के बाद भी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। महिला दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर से सुप्रीम पावर हंटर न्यूज के लिए महबूब अली अंसारी की रिपोर्ट। हम बाबूजी घर पर अकेली रहन, और हमारे पति और सास और ननद बूढ़ी वाली एक सास है, वो सब लोग मेला जा गई रहे नागपुर महाराष्ट्र देख है। अकेली रहन, छोटी वाली नंद रहा है हमारे, तो रात में हमका ही आवाज लगन अपनी औरत की तरह। कहने उठने का सो गए का, तो हम किसने आवाज दिया? हमारे ससुर जी ने क्या सो ने आवाज लगाई, कहीं उठो का सो गई हो, तो हम कहने बाबू जी हम कहने पापा सोए ना, बे सामान रख दीबा, तो कहे लगे तो बस वतन में यहाँ दरवाजा के रे आड़ हुई गया, और हम निकल के रे आए पकड़ के बाह हमरे खींच ली चले, कमरा खींच ले गए। हमरे साथ बहुत छेड़खानी करी ना, वो कहन कि हमारे बात मान जाओ, बहुत बहुत कोशिश करी ना, मगर हम कहन कि हम ना पापा हम तुम लड़की के रही सामान हन, हमका छोड़ दो, तुम्हारे पैर हाथ जोड़ी दो पैर छुई दो। तो कहे लगे अगर जो हम कहें सबसे बतैबा, तो कहे लगे अगर जो भोसड़ी सबसे बताइयो तो तुम्हारी लट्टी दाब के टांग दीवा छल्ला में कह दियो फसरी लगा के मरी गए है। और हम कहें तो फिर कहा लगे ना ए चिल्ला कोशिश करें, तो कहा लगे मुंह हमारे कसके दाब दिन कपड़ा तेने मुंह में दाब दिन कपड़ा देने, फिर जब हम काटन उटन उनके हाथ में या तब छूट के भागन बाहर, फिर सपड़े सारे कपड़े हमारे छोलिन खाली दो कपड़ा हमारे पास बचे रहा है। मारा बेटा भी था? हाँ मारी, बहुत मारी ना हमका रात में, जब कहाना है मान उनका बहुत मारी ना हमका रात में, जब फिर अपने पति से आए हमारे पति, तो हमारे चाचा और कहन की फोन लगा, तो हम फोन लगाए न, तो कहा अपने पति से मालूम हम कहन बतावे कोशिश करें, तो पहले है हमका गाली दे, लेकिन भोंसड़ी का अगर जो हमारे घर आई हो तो तुम चाहे हमारे पास रहो चाहे हमारे बाप के पास रहो, और चाहे मन है आओ मन है ना आओ, यानी कि वो कहता है कि अपने पापा के पास लेटो। हाँ वो कहता है हमारे पापा के पास लेटो। अब आप क्या चाहती हो? हम बाबू जी मुकदमा लड़वा उनते जे अंदर करवा इनका। हाँ जी नहीं, आपने एप्लीकेशन कहीं थी? हाँ बाबू जी दो बार, एक पहली बार गए कोतवाली, वहाँ से कोई खबर नहीं आई, फिर गए दो बार एसपी साहब फिर गए कोई खबर ना आ रही, पैसा दे रहा बराबर है चौकी में, यहाँ बुलाया जाते तो जाए तन, तो फिर यही कहता जाओ तुम चली जाओ, और फिर हम इनका जेल भेज दीवा इनका, और फिर पैसा दे के छोड़ देते है इनका। आपका नाम? हमारा नाम क्या हुआ था पूरा बाबा? हुआ था ये शादी को 3 साल हुए थे, दो बार एक कर दिया घटना, दो बार घटना करा हमने छोड़ दिया, और तीसरी बार में वहाँ पकड़ के कमरा को ले गए अंदर, ये कहता है हमारे अपनी बहू के यहाँ हमारी बिटिया उसकी बहू है, ये कहता हमारे हमारी बात मानो हमारे पास लेटो तुमको पूरा खर्चा हम देंगे, तो हमारी बिटिया नहीं इस बात में यहाँ है, तो बाबूजी हमारे पास फोन किया
तब हमने गया था, तो जब हम गए तो हमका बहुत मारा, हम अपनी बिटिया के लाने बिटिया का हमारी मारे से। तो बाबू जी हमारे निर्णय वत्ता हुई जाना चाहिए कि हमारी बिटिया बात से न दूर हो जाए, हम जेल भिजवाना चाहिए थे। आपने दमाद से अपने कहा थे? हमारा दमाद जो आया था वहाँ मेला से, उससे हमने बोला था, बिटिया हमारी बोली तो कहा लगा कि हमारे पास लेटो जी, हमारे पिताजी के पास लेटो। और फिर बीच में बेटी उसकी हैरान हो गई तो कहने लगा वो कि हम आना चाहती हैं, तो वो कहने लगा हम मट्टी तुल डाल करके जला देंगे और लेके सब छूट जाएंगे। थाने में आपने एफआईआर कराई? थाने में बाबूजी दो बार हम स्पीकर जा चुके, दो बार कुतवाली जा चुके। रिपोर्ट लिखी गई? अभी रिपोर्ट हमारी लिख ली गई कि जो यहाँ चौकी के पुलिस था वो पैसा ले करके रिपोर्ट हमारी फेंक दी, कहने लगा अपने दमाद को लेकर के आओ तब हम मुकदमा दायर करी बात। तो बाबू जी हमारे पास दमाद हमारे जब कब्जे में नहीं है तो किसके हम जमानत पर मुकदमा दायर करी। हम गरीब आदमी रक्षा चला चला अपनी लड़की के यहाँ जिया ले गए, उसकी लड़की के दूध पियाए रहना है, 5 महीना से नहीं दूध पियाए रहना है रोज, और रक्षा चला पिताजी इनके लावत नहीं शाम के यहाँ खवाई थी। आप देख रहे हैं आपका अपना वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर हंटर, प्रस्तुत है आज की खबर। खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से। द्वारिकापुरी थाना क्षेत्र के हवा बंगला में स्थित मंदिर को चोरों ने बनाया निशाना। क्षेत्र में स्थित श्री राम मंदिर को चोरों ने बनाया निशाना। चोरी की घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी में कैद हुई। चोरों ने मंदिर में रखी दान पेटी, भगवान के आभूषण सहित अन्य सामान पर किया हाथ साफ। सीसीटीवी में चोरी की वारदात हुई कैद। 3 से 4 बदमाशों ने दिया चोरी की वारदात को अंजाम। द्वारिका पुलिस सीसीटीवी के आधार पर जांच में जुटी। इंदौर से सुप्रीम पावर हंटर न्यूज के लिए चेतन सिंह की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं आपका अपना वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर हंटर, प्रस्तुत है आज की खबर। खबर मध्य प्रदेश के जबलपुर से। बेलबाग थाना अंतर्गत धमापुर चौक पर एक्स दिव्यांग व्यक्ति की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। जैसे ही इसकी खबर स्थानीय लोगों को लगी तो देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। इसके बाद लोगों ने मामले की सूचना बेलबाग पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पीएम के लिए भिजवाए हुए मर्ग कायम कर मामले की विवेचना शुरू कर दिए। मृतक की शिनाख्त आकाश शुक्ला के रूप में हुई है। मृतक की मौत किन परिस्थितियों में हुई इसका पता पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा। इसके बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। जबलपुर से सुप्रीम पावर हंटर न्यूज ब्यूरो की रिपोर्ट। धमापुर चौक पर अज्ञात व्यक्ति के मरने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर से मर्ग क्रमांक 4/19 कायम कर जांच में लिया गया। उसके बाद में घटनास्थल पर रवाना हुआ पंचनामा कार्रवाई करने के लिए। तो वहां पर मृतक के परिजन आ चुके थे, उसका बड़ा भाई सचिन शुक्ला घटनास्थल पर आ गया था और पूछने बताया कि मेरा भाई, जिसका पहचान पंचनामा तैयार किया गया और पीएम फार भर कर मृतक आकाश शुक्ला को पंचनामा पीएम करवाने हेतु मेडिकल कॉलेज के लिए रवाना किया गया। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए आप देखते रहिए आपका अपना वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर हंटर। नमस्कार।